हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। केम छो बदा? आज हम लोग एक स्मॉल वेकेशन पर जा रहे हैं और इस तरह हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और परम के लिए भी ये पहली बार है और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हम दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बारिश की सीज़न थी तो चारों ओर इतनी ग्रीनरी थी और सब देखने में इतना मज़ा आ रहा था और इतने ब्यूटीफुल से सब प्लेस आ रहे थे तो रिफ़्रेश हो गए थे। वैसे बारिश के सीज़न में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। लंच का टाइम हो गया था तो बीच में हमने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। फर्स्ट टाइम कहे तो ऐसे 1.5-2 साल के बाद हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कहीं गए नहीं थे। और ये आ गई है हमारी डेस्टिनेशन खंभाड़िया शहर, जिसको जाम खंभाड़िया भी बोलते हैं। वो इतना प्यारा सा छोटा सा शहर है। और यहाँ पर हम घर पर पहुँच गए थे। ये जो घर है वो प्रतीक के क्लाइंट है, पर क्लाइंट जैसा बिल्कुल नहीं है, एक फैमिली मेम्बर जैसे ही बन गए हैं। और बहुत ही अच्छे से हमको वेलकम किया, बहुत ही अच्छे से हमको रखा। और वहाँ उनके दो बेटे भी हैं, बड़े हैं, और सामने लड़की रहती है कृषा, जो परम के साथ खेलने आ गई थी और उन लोगों ने बहुत ही मज़ा किया। डिनर में भाभी ने बनाया था बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट छोले चाट। सोडा पीने और पान खाने गए थे, क्योंकि सौराष्ट्र में अगर आप गए हैं और डिनर के बाद अगर आपने सोडा नहीं पी या पान नहीं खाया तो खाना अधूरा सा रहता है। मसाला सोडा पी और वाह क्या सोडा थी, मज़ा आ गया था, जैसे नशा चढ़ गया हो, जैसे मसालेदार सोडा थी। सुबह हम जल्दी उठकर गए थे डैम पर और वहाँ का नज़ारा इतना मनमोहक था, वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। और बारिश की वजह से सब ग्रीनरी ग्रीनरी इतनी सब देखने को मिल रही थी, मोर की आवाज़ आ रही थी। और हम लोग मंदिर गए थे तो मंदिर का वातावरण इतना अच्छा और शांत था कि आपको जकड़ के रखे कि बस कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो।
मैं मिलवाती हूँ जो प्रतीक के क्लाइंट है मेहुल भाई, उनकी वाइफ है मीरा भाभी, और बहुत ही प्यारा सा उनका नेचर है, काफ़ी हम लोग घुल मिल गए हैं। You said